आई एम स्नेहा और मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन हूँ. मैं बिग बॉस बहुत पहले से देखती हूँ और अभी तो मैं 11 सीजन तो बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ. और मुझे सिर्फ हिना खान के बारे में बोलना है और प्रियांक शर्मा और लव के बारे में बोलना है कि हिना खान बहुत बड़ी हरामी है. वो बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रही है. वो जो हिना खान, यू आर अ बिगेस्ट सी एक्चुअली. वो है हिना खान इज बीप 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 बराबर. जो बीप 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 का मतलब है वो सी खान सी और आगे जो भी है वो सब कर. और हिना खान बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रही है. वो अपना दिमाग बाकी लोगों को लगा रही है. वो सिर्फ लोगों को यूज कर रही है. अब सेल्फिश हो रही है और गेम में वो सिर्फ शिल्पा शिंदे को इतना गाली दे रही है. अर्शी खान को पूरा करने का ये देख रही है. वो सिर्फ प्रियांक को यूज कर रही है, लव को यूज कर रही है. लव तो बैल बुद्धि है ही. प्रियांक को कैमरा देख के पता नहीं उसको क्या हो जाता है. वो पागल हो जाता है. कैमरे के लिए कुछ भी करता है फुटेज खाने के लिए. और अर्शी खान को कितना गंदा गंदा बोलता है. पहले तू देख तेरी भी घर पे तेरी माँ है और तेरी बहन है. पहले उन लोग को जाके देख पहले उधर क्या है. बाद में लड़की को आके बिग बॉस में बोल. बिग बॉस में तू जीतने वाली नहीं है. यू आर अ बिगेस्ट सी. हाँ, बिग बॉस में जीतेगा तो बीप बीप बीप. बिग बॉस में कोई जीतेगा तो शिल्पा शिंदे, अर्शी खान, विकास गुप्ता इन लोग में से ही है. पहले तू बिग बॉस को खराब कर रही है. हाँ, तूने विकास गुप्ता को पहले यूज किया, फिर प्रियांक शर्मा को यूज किया, अब लव को यूज कर रही है. अभी सपना बिग बॉस नहीं जीत सकती है. फिर हम सिर्फ गोरा है, हम लोग काले हैं, फिर हम लोग को समझ में आने बोलूं. और तू सपना को यूज कर रही है, बाकी सबको. सपना तो सिर्फ धमकी देती है इसकी तरह और कुछ करती तो नहीं है. ये भी ऐसे ही बोलती रहती है, मैं ये करूंगी वो करूंगी. करती तो कुछ नहीं है, सिर्फ धमकी देती है. शिल्पा शिंदे बोलती है करके दिखाना. कब करके दिखाएगी तू? अभी करके दिखाना. कब करेगी तू? कुछ नहीं कर सकती हिना खान. तू सिर्फ गंदा पॉलिटिक्स खेलती है. अगले बिग बॉस 10 में जैसे बाबा ने गंदा बचाई थी, आना मत. तू सीरियल में ही अच्छी दिखती है. नहीं, सीरियल में भी सिर्फ रोने के अलावा. और हाँ, सबसे मेन बात, कुछ भी हुआ गलती तेरी होगी, फिर भी तू रोती है. और वो अंडे के बारे में क्या, वो अंडे को टॉपिक पर क्या बोल रही थी तू? तेरे को भगवान ने हाथ पर नहीं दिए, तू खुद अंडा नहीं बना सकती. देखो क्या, इतना अंडा बनाने को नहीं आता. बिग बॉस में आने से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी. कपड़ा धोऊंगी. हिना खान आप जीत नहीं सकती हो. इसके आगे हमें कुछ नहीं बोलना है. कपड़ा धोने का, कपड़ा धोऊंगी मैं, खुद का कपड़ा धोऊंगी, खाना बनाऊंगी, वो करूंगी, वो करूंगी. अभी तो अंडे का तो कुछ भी नहीं करती. अभी तो अंडे का एक्सपेक्टेशन शिल्पा शिंदे से भी कर रही है. खुद बनाना अंडा, देखो इतना सिखाया नहीं है तुमको अंडा कैसे बनाने का. सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने को आता है. सबको बिठाने का बेड पे, सबको सिर्फ प्रवचन देने का, ऐसा करने का, वैसा करने का. देखो सबसे बड़ी बात बताऊ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर तेरा बहुत अच्छा फैन फॉलोइंग बन रहा है. हो रहा है तेरा खुद रुक इस हो रहा है. और मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मूव का आ रहा है. बहुत काम तक बता रही हूं. तेरा कुछ फैन फॉलोइंग नहीं बन रहा है. सब लोग तेरे को गाली दे रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहाँ देखो तेरी बदनामी हो रही है. तूने जो 8 साल जो काम किया है वो तेरा अभी कुछ नहीं जा रहा है. सब तेरी बदनामी हो रही है. तेरे को 8 साल में तूने सिर्फ रोना ही सीखा है जो तू कर रही है. बहुत बड़ी चूहा. हाँ, हिना खान इज सी सी सी. मेरे को सिर्फ सी सी आता ही है, लेकिन मेरे को बहुत सारी गालियां आती है. अगर मैं देने लगूं तो फिर तू पता नहीं, तू मेरे को बाहर मिल, तेरे को ऐसे मारूंगी ना साली. तेरे को बराबर मारूंगी मैं.